अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की फिराक में लगे रहने वाले पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की पेरिस में हुई ऑनलाइन बैठक में मुंह की खानी पड़ी। FATF ने एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का ऐलान किया है। नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम दुनिया दरबार में। FATF के सुनाए गए फैसले से पाकिस्तान में पहले से ही चरमराई पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए एक और बड़ा झटका मिला है। क्या है पूरी खबर बताएंगे हम, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। पहला, बिहार चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र के अनुरूप ही अमेरिका में अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने भी शुक्रवार को वादा किया कि अगर उनकी जीत हुई तो वे सारे देशवासियों के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त कर देंगे। दूसरा, पाकिस्तान कई समस्याओं से घिरा होने के बावजूद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक भारत के खिलाफ बेतुका बयान देकर पाकिस्तानी जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया है। इमरान खान ने अपने बयान में भारत से होने वाली किसी भी कार्रवाई का जवाब देने का बयान दिया है। आइए अब बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। FATF की हुई बैठक में पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद के खिलाफ 27 सूत्रीय एजेंडे को पूरा करने में नाकामयाब रही है। FATF की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का ही निर्णय लिया गया है। FATF ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादियों के खिलाफ भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। इससे पहले भारत भी पाकिस्तान को आतंकियों को पनाह देने और भारत पर आतंकी हमलों को अंजाम देने में मदद करने के लिए दुनिया के सामने बेनकाब किया है। बता दें कि इस लिस्ट में रहने से पाक को इस साल दिसंबर तक $25 अरब का नुकसान भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि FATF के फैसले से इस साल दिसंबर तक पाकिस्तान को $25 अरब का नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पिछले साल यह बताया था कि देश को ग्रे लिस्ट में रखने से हर साल $10 अरब का नुकसान होता है। वह जून 2018 से इस लिस्ट में है और दिसंबर 2020 तक 2.5 साल हो जाएंगे। ऐसे में ये साफ है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई का नाटक करने वाले पाकिस्तान को अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे जाने से इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी IMF, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना मुश्किल हो जाएगा। जबकि इस वक्त खासकर कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री इमरान खान पहले ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांग चुके हैं, इससे जाहिर है कि उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। पाकिस्तान को अब ये समझ जाना चाहिए कि गलत का साथ देना मतलब गलत ही होता है। पाकिस्तान अब ज्यादा दिनों तक अपनी सरजमीं पर आतंकवादियों को पनाह नहीं दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब पाकिस्तान की पोल खुल गई है। इस रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी में बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।